हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल साइंस क्रिएटर्स। हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे और अपन थर्मोडायनेमिक्स में कल अपन ने क्या कब पढ़ा था? कल अपन ने पढ़ा था हीट एंड हीट कैपेसिटी के बारे में। अपन सब कुछ पढ़ चुके थे, सारी जानकारी प्राप्त कर चुके थे। आज अपन पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी एंड आइडियल गैस। एक आदर्श गैस के लिए सीपी और सीवी में क्या संबंध रहता है, ये भी इससे रिलेटेड है। आइए सेशन को आगे बढ़ाते हैं और अपन चीजों को समझते हैं। लेकिन आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे टेलीग्राम साइंस क्रिएटर से जुड़े, जहां हम आपको नोट्स और सवालों के पीडीएफ जितने भी हो सकते हैं उतने आपको प्रोवाइड करवाते हैं और करवाएंगे। इसलिए हमारे टेलीग्राम से अधिक से अधिक जुड़े। आइए सेशन को चालू करते हैं। सेशन को चालू करने से पहले कल अपन ने क्या क्या पढ़ा था? कल अपन ने पढ़ा था हीट कैपेसिटी, विशिष्ट ऊष्मा और मोलर ऊष्मा धारिता। अपना लास्ट टॉपिक था मोलर हीट कैपेसिटी। यही था अपना लास्ट टॉपिक, ठीक है? मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है? एक मोल पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है? मोलर हीट कैपेसिटी होती है दो टाइप की। कौन कौन सी टाइप हो सकती है? एक तो होती है सीपी, एक होती है सीवी। जो होती है एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब यहाँ पे दाब क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और यहाँ पे क्या होगा? एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एट कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब यहाँ पे तो क्या होगा? दाब निश्चित होगा और यहाँ पे आयतन निश्चित होगा। तो अपन को इन दोनों में क्या निकालना है? रिलेशन निकालना है सीपी और सीवी में, संबंध निकालना है। मोलर हीट कैपेसिटी आर टू टाइप, सीपी एंड सीवी। सीपी क्या होती है? एट कांस्टेंट प्रेशर मतलब एक समान दाब पे, और एक एट कांस्टेंट वॉल्यूम एक समान आयतन पे। आइए सेशन को आगे बढ़ाते हैं, यही चीजों को आज कंसीडर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात करते हैं, ठीक है? जब अपन ने क्या कर रखा है, आयतन को निश्चित कर रखा है, क्या कर रखा है? सर्टेन कर रखा है, निश्चित कर रखा है। जब आपने आयतन को निश्चित कर रखा है, आप तंत्र है हमारा, उसको आप क्या दे रहे हो? ऊष्मा दे रहे हो। आयतन आपने क्या कर रखा है? निश्चित कर रखा है, कांस्टेंट कर रखा है, और आप उसको हीट दे रहे हो। तो उसमें क्या होगा? बताइए, उस तंत्र में कोई प्रभाव पड़ेगा? बाहरी रूप से बताना, प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आयतन तो आपने क्या कर दिया? निश्चित कर दिया। बाहरी रूप से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन उसकी क्या होगा? आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो, तो क्या होती जा रही है? उसमें हीट उत्पन्न होती जा रही है। तो उसके अंदर क्या हो रहा है? ऊष्मा आती जा रही है। ऊष्मा क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। और तब थर्मोडायनेमिक्स में अपन ऊर्जा को कैसे पढ़ते हैं? ऊर्जा हमेशा कौन सी होती है? इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा के रूप में पढ़ा जाता है। तो जब कांस्टेंट वॉल्यूम का मान क्या हो जाएगा? निश्चित हो जाएगा। और अपन किसको, तंत्र को क्या दे रहे हैं? ऊष्मा दे रहे हैं। तो वहां पे क्या होगा? आंतरिक ऊर्जा में क्या होगी? वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। किस स्थिति में हो जाएगी? जब वॉल्यूम का मान क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है? एक कॉमन सी बात है, आयतन आपने निश्चित कर दिया और आप उसका हीट बढ़ाते जा रहे हो, तो उसमें क्या होगा? बाहरी रूप से कोई परिवर्तन आएगा? नहीं आएगा। क्या होगा? क्योंकि वेपराइजेशन भी नहीं हो रहा, क्योंकि आपने क्या कर दिया? वॉल्यूम को क्या कर दिया? सर्टेन कर दिया। तो यही बात है, तो यहाँ पे आंतरिक ऊर्जा का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। अब आते हैं नंबर दो कंडीशन। कौन सी नंबर दो कंडीशन? कौन सी आती है? अब आते हैं सीपी की बात करते हैं, ठीक है? जब आपने क्या कर रखा है? दाब को निश्चित कर रखा है और आप किसी तंत्र को ऊष्मा दे रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगा? आयतन में परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, ठीक है? और वॉल्यूम चेंज हो जाएगा तो वॉल्यूम चेंज करने में कुछ कार्य तो करना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ पे कार्य करना पड़ेगा, तो कार्य करने के लिए क्या जरूरी है? एनर्जी जरूरी है, ऊर्जा जरूरी है। तो यहाँ पे ऊर्जा की मात्रा सीपी से ऊर्जा की मात्रा से क्या आएगी? बताइए क्या आएगी? ज्यादा आएगी, क्योंकि यहाँ पे अपन को क्या करना पड़ रहा है? कार्य करना पड़ रहा है, तो वॉल्यूम बदलेगा। वॉल्यूम ऐसे नहीं बदलता है। और थर्मोडायनेमिक्स में हर चीज किससे होती है? अपन को उसमें वर्क करना पड़ता है। वर्क करने के बाद अपन को रिजल्ट आता है, तो अपन को रिजल्ट के लिए क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। और वर्क के लिए हमारे को क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा के लिए क्या होगा? ऊर्जा कौन सी है? इंटरनल एनर्जी। तो तंत्र जो है, जो हमारा सिस्टम है, उसकी इंटरनल एनर्जी का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो अपन ने यहाँ से क्या सीखा? किसकी इंटरनल एनर्जी किससे ज्यादा है? जिसका दाब नियत है उसकी इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा, जिसका आयतन निश्चित है उसकी आंतरिक ऊर्जा से क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। ये था बेसिक कंसेप्ट। तो अब इसको सरल भाषा में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ।
सरल भाषा में बताने की कोशिश करता हूँ। देखो अपन ने गिलास ले रखा है, अपन ने गिलास ले रखा है ठीक है। गिलास में अपन ने उसको क्या कर दिया, आयतन उसका आधा गिलास भर दिया ठीक है। और अपन उसका क्या है कि ये गिलास आधा ही रहेगा, चाहे आप इस पे कुछ भी कर लो, चाहे ये गिलास में जो पानी है ना वो आधा ही रहेगा, चाहे अपन इस पे कुछ भी वर्क कर ले ठीक है। आपने इसको पहले सर्टेन कर रखा है, आपने उसको लगा दिया नीचे क्या स्टॉप पे रख दिया, गैस पे रख दिया ठीक है। आपने पहले लाइन में कह दिया आयतन निश्चित है, जितना गिलास में पानी है उतना ही रहेगा, अगर दो लीटर है तो दो लीटर ही रहेगा पानी ठीक है। पर आप देखो सब सीवी की बात करते हैं, आयतन निश्चित है तो क्या होगा, पानी तो गर्म होगा। पहले पानी का टेम्परेचर कम था, जब आप जैसे जैसे हीट देते जा रहे तो पानी का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, अर्थात पानी गर्म होता जा रहा है। लेकिन पानी का आयतन क्या है, उल्टा होगा नहीं, उल्टा क्या नहीं होगा, अर्थात उल्टा कैसे नहीं होगा, मतलब घटेगा नहीं। क्यों नहीं घटेगा, क्योंकि आपने वॉल्यूम को सर्टेन कर दिया, यही कारण है कि ये क्या होता है। तो क्या होगा, पानी गर्म होता जाएगा, कम तो होगा नहीं होगा। तो बस यही कंसेप्ट है सीवी पे, उसकी क्या है ओनली इंटरनल एनर्जी बढ़ती जा रही है, आंतरिक काम होता जा रहा है, बाहरी अपन को कुछ दिख नहीं पा रहा। यहाँ पे अपन को बाहरी काम होता दिख जाएगा, कि अपन ताप बढ़ाएंगे तो पानी आयतन घटेगा या बढ़ेगा, जो भी होगा वो देखा दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या बढ़ेगा, कुछ कार्य होगा, अगर बढ़ेगा तो भी कार्य होगा, घटेगा तो भी कार्य होगा। तो दोनों कंडीशन में आपको कैसी जरूरत पड़ेगी, आपको ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी ठीक है। दोनों कंडीशन में आपको ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, यहाँ तक की बात हो गई। अब अपन बात करते हैं सीपी और सीवी में संबंध की। ये था इसका बेसिक कंसेप्ट जो आपको जरूरी होना चाहिए आपके दिमाग में थ्योरी बनाने के लिए ठीक है। अब अपन बात करते हैं कंसेप्ट की क्या होता है। तो अपन ने अब क्या सीखा, सीपी नियत दाब के लिए क्या है, अपन को अतिरिक्त ऊष्मा की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी, अतिरिक्त ऊष्मा की आवश्यकता होगी। अतिरिक्त ऊष्मा किसके बराबर होगी, वो कार्य से प्राप्त होगी, अतिरिक्त जो कार्य करेंगे ना उससे अपन को प्राप्त होगी। और वो किसके बराबर होगी, जो अतिरिक्त ऊष्मा है आर के बराबर होगी, किसके बराबर होगी, आर के बराबर होगी। यही कंसेप्ट अपन सीखेंगे। आइए अपन क्या करते हैं, अपन ने सीखा सीपी संबंध क्या होगा, निश्चित एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। पहला लिखिए, पहला पॉइंट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। कल अपन ने क्या पढ़ा था, उष्माधारिता का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बराबर, उष्माधारिता का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बराबर कॉन्स्टेंट हो जाएगा सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीवी और डेल्टी, यह क्या हो गया एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, और ये क्यू भी बराबर कल अपन ने क्या पढ़ा था, क्यू भी बराबर आपको क्या बताया था, डेल यू, स्थिर आयतन पे किया गया कार्य किसके बराबर होता है, आंतरिक ऊर्जा के बराबर होता है। तो ये भी अपन को याद है, कल अपन पढ़ चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कहाँ जाके देख लेना नहीं पड़ा होगा ठीक है। आइए ये हो गया क्वेश्चन नंबर एक। अब आते हैं यही एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पे क्या हो जाएगा, क्यू पी बराबर कल अपन ने क्या पढ़ा था, सीपी डेल टी, ये किसके बराबर होता है, एंथैल्पी परिवर्तन के बराबर होता है। ये हो गया समीकरण नंबर दो, समीकरण एक में समीकरण दो से ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत जल्दी बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए ठीक है। एक मोल आइडियल गैस के लिए, एक मोल आइडियल गैस के लिए अपन ने क्या पढ़ाया जल्दी बताइए, एक मोल आइडियल गैस के लिए अपन ने पढ़ाया डेल्टा एच बराबर डेल यू प्लस एन आर पी भी बराबर क्या होता है, एन आर टी होता है। लेकिन एन का मान क्या कर दिया आपने, एक मोल, तो पी यू डेल्टा एच प्लस डेल यू बराबर क्या हो जाएगा, आर टी, डेल एच प्लस डेल यू बराबर क्या हो जाएगा, आर टी हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, ये रहा डेल यू का मान, डेल एच का मान, दोनों का मान उठा के यहाँ रखना है। यहाँ पे अपन ने रख दिया तो डेल यू का मान कितना आ जाएगा, सीवी डेल टी प्लस सीपी डेल टी ठीक है, सीवी डेल टी माइनस सीपी डेल टी ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत जल्दी बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, जल्दी बताइए। डेल्टा एच बराबर आर डेल टी होगा, सॉरी डेल टी होगा, क्योंकि अपन यहाँ पे हर चीज को क्या है, जो टेम्परेचर क्या होता है, परिवर्तन होता है, सर्टेन नहीं है, यहाँ पे सर्टेन ओनली आर है ठीक है। यहाँ तक की दिक्कत, यहाँ तक की बात क्लियर हो चुकी है। तो डेल्टा एच बराबर डेल यू आर डेल टी, यहाँ तक की बात क्लियर। अब यहाँ पे आप मान रखोगे, यहाँ पे आप मान पुट करोगे किसके, डेल एच और डेल यू के, तो ये मान आएगा सीपी माइनस सीवी, क्या मान आएगा, सीपी माइनस सीवी बराबर आर, यही क्या कहलाता है, रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी फॉर एन आइडियल गैस, एक आदर्श गैस के लिए सीपी और सीवी में संबंध, सीपी माइनस सीवी बराबर आर, सीपी माइनस सीवी बराबर आर ठीक है। अब अपन देखते हैं सीपी माइनस सीवी बराबर आर आ गया, यहीं से आप कंसेप्ट बनाने की कोशिश करेंगे।
अब देखो तीन तीन पॉइंट लिखवाता हूँ, आप देखिए सीपी अपॉन सीवी क्या होता है। सीपी अपॉन सीवी ये तीन पॉइंट है, इस बात का ध्यान रखना। सीपी अपॉन सीवी क्या होता है। सीपी अपॉन सीवी निकालते हैं अपन परमाणु तक ज्ञात करने के लिए कि अणु एकल परमाणु के, द्वि परमाणु के, त्रि परमाणु के, ठीक है, एकल परमाणु के, द्वि परमाणु के, तीन परमाणु के लिए क्या निकालते हैं। सीपी अपॉन सीवी इसके माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं, अपन ये ज्ञात कर सकते हैं कि कोई भी एटम वो कैसा है, एकल परमाणु गैस के लिए, द्वि परमाणु गैस के लिए, त्रि परमाणु गैस के लिए। यहाँ तक की बात क्लियर। सीपी अपॉन सीवी क्या के लिए होगा, परमाणु तक ज्ञात करने के लिए। परमाणु तक ज्ञात करने के लिए कैसे होगा, 1.66, 1.3 या 1.47। ये तो होता है एकल परमाणु के लिए, ये होता है द्वि परमाणु गैस के लिए, ये होता है त्रि परमाणु गैस के लिए सीपी अपॉन सीवी का मान। इसी को क्या बोला जाता है, रेशियो ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी, रेशियो ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट आपको बताई दी थी, मोलर ऊष्मा धारिता का अनुपात किसके बराबर होता है, सीपी अपॉन सीवी। 1.66 अगर मान आ रहा है तो वह क्या होगा, एकल परमाणु गैस के लिए 1.3, द्वि परमाणु के लिए 1.77, त्रि परमाणु गैस के लिए। यहाँ तक की बात क्लियर हो चुकी है, आई होप समझ में भी आ रहा होगा। और डेल्टा यू और डेल्टा एच का जो मेजरमेंट होता है, डेल्टा यू और डेल्टा एच का मेजरमेंट होता है वो किसके द्वारा करते हैं अपन, जल्दी बताइए। वो करते हैं अपन कैलोरीमीटर द्वारा। किसका मापन, डेल्टा एच और डेल्टा यू का मापन किसके द्वारा किया जाता है, कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर। कल आपको बताया था ऊष्मा का मापन किसमें किया जाता है, कैलोरी में किया जाता है। एक कैलोरी में एक ग्राम H2O का भार एक डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा किसके बराबर होती है, एक कैलोरी के बराबर होती है। और डेल्टा एच और डेल्टा यू का मेजरमेंट किसके द्वारा किया जाता है, कैलोरीमीटर के द्वारा किया जाता है। यहाँ तक की बात क्लियर हो चुकी है, आई होप आपके समझ में भी आ रहा होगा। अपने आज का सेशन आपको कैसा लगा, सीपी और सीवी में आपको संबंध समझ में आया, पूरा आपको चित्र पढ़ाया है। आइए यही मिलते हैं, और हमारे टेलीग्राम पे अधिक से अधिक लोगों को जोड़े और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। कल मिलते हैं आपके साथ नई वीडियो के साथ, जब तक हमारे प्रीवियस वीडियो देखते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।